पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो कभी भी सिर्फ फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं रही प्योरली, वो हमेशा से फेमिनिस्ट मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट इस तरह से रही है, और इसके अंदर कोई एक स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म भी कभी नहीं रहा। हम ये नहीं कह सकते मुकम्मल तौर पे रिफॉर्मिस्ट थी, हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम फेमिनिज्म था, हम ये नहीं कह सकते कि सेकुलर फेमिनिज्म था, क्योंकि इसकी जो जो फॉर्मेशन हुई है वो डिफरेंट जो पावर की रिकन्फिग्रेशन थी ग्लोबल और नेशनल लेवल पे उनके थ्रू हुई है, और उन कॉन्फिग्रेशन के अंदर हमारे पास कॉलोनियलिज्म आ जाता है, हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल स्टेट और स्ट्रक्चर, स्टेट और सोसाइटी की डिस्ट्रक्चरिंग आ जाती है, उसमें हमारे पास 9/11 ग्लोबल वॉर एंड टेरर आ जाती है, और इन सारी ट्रांसफॉर्मेशंस ने किसी ना किसी हद में शेप किया फेमिनिस्ट मूवमेंट को, रीशेप किया, शिफ्ट किया बार बार, जिसके अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का ताल्लुक था स्टेट के साथ वो भी कभी एक नहीं रहा। वो रिश्ता शुरू होता है स्टेट के साथ कोऑपरेशन के साथ, वो रिश्ता शुरू होता है उस तरह की वेलफेयर जिसमें राजा लियाकत अली खान का अगर हम जिक्र करें तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान बना या इवन पाकिस्तान बनने से पहले की हम बात करें तो कॉलोनियल दौर के अंदर जो शुरू में एक चीज औरतों के राइट्स के बारे में किसी हद तक शुरू हुई थी वो एजुकेशन रिफॉर्म्स थे, उसमें एजुकेशन की बात हो रही थी जिसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के व्यूज आपको नजर आते थे कि कहीं ये कहा जाता था, कुछ लोग इस बात के प्रोपोनेंट्स थे कि औरतों को तालीम देनी चाहिए, लेकिन वो तालीम किस तरह की देनी चाहिए उसमें, क्योंकि सर सैयद अहमद खान के बारे में हमें पता है वो बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे एजुकेशन के, बट वो एजुकेशन वो एक खास किस्म के मर्दों के लिए चाह रहे थे जो कि इलीट आदमी थे, उन आदमियों के लिए वो एजुकेशन थी, और औरतों को वो समझते थे कि अगर इनको सेकुलर मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज एजुकेशन दी जाए तो शायद ये हमारी वैल्यूज को खराब करते हैं। सो वो एक ऐसा फेज था जिधर आप ट्रेडिशन को साथ लेके वेस्टर्नाइज भी हो रहे हैं, सो उन दोनों चीजों का जो बैलेंस था वो एक बहुत ही ऑफ बैलेंस था। तो उसके अंदर ये हुआ कि जो नज़ीर अहमद थे उनका बिल्कुल मुख्तलिफ व्यू था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मर्द पढ़ लिख जाएंगे तो वो इन औरतों से शादियाँ किससे करेंगे, तो उन्हें अच्छी बीवियाँ भी चाहिए, और बेसिकली हुआ यही था, जो एजुकेशन शुरू हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जो ब्राउन साहिब बनाए जा रहे थे हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे यू नो साउथ एशियन रीजन के अंदर, उनके लिए पढ़ी लिखी बीवियाँ भी चाहिए थी, क्योंकि अगर उन्हें ना मिलती तो वो गोरों की औरतें ले लेते, और वो एक प्रॉब्लम है। कॉलोनाइजर्स ये नहीं चाहते थे कि वो जिनको हम नीचा समझते हैं अपने से, ये अनसिविलाइज आदमी हमारी गोरी औरतों से शादी कर ले क्योंकि ये पढ़ लिख जाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि मर्दों के लिए ऐसी बीवियां भी तैयार किया जाए। सो एजुकेशन कभी भी इमेंसिपेशन नहीं थी, एटलीस्ट इन साउथ एशियन रीजन जब शुरू हुई थी, औरतों की एजुकेशन का जो एजुकेशन रिफॉर्म मूवमेंट थी वो हमेशा से एक सिविलाइज करने का ही तरीका रहा है। एजुकेशन ज्यादातर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में यही होती है कि आपने सिविक्स इंट्रोड्यूस कराई और सिविक्स अब आपको सिविलाइज करते हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ सिविक्स। और उसके अंदर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप कभी जो पुराने गवर्नमेंट के स्कूल हैं आप उन्हें देखें तो वो हवेलियों की तरह है कि उनकी उनके कोर्ट चार्ट बिल्कुल बीच में होते हैं और इर्द गिर्द कमरे होते हैं, और जो मर्दों के लड़कों के स्कूल हैं उनका ग्राउंड हमेशा गेट के सामने होता है, तो वही वाला जो इधर भी वो प्राइवेट औरतों की तालीम उनको प्राइवेट घर के अंदर प्राइवेट स्फीयर के अंदर रखने के लिए बोली थी, और जो उनकी स्कूलों की जो शक्ल भी थी जब आप स्ट्रक्चर को भी देखते हैं तो एक गेट से बंद है, खेलना है तो बीच में आके खेलो, गेट के पास ग्राउंड नहीं है। सो इट और जब हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है तो हमें ये बात बहुत बेहतर समझ आती है कि वो एजुकेशन क्यों हुआ। उस एजुकेशन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अप्पा जैसी ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है, और इसके बीच में ऐसा नहीं था मैं सिर्फ कुछ मेन मेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूंगी, उसमें और बहुत कुछ है, मे बी हम हिस्ट्री के ऊपर एक सर्कल करें तो वी कैन गो इन डिटेल, लेकिन उसके अंदर ये भी हुआ था पहली दफा जो औरतों की बराबरी की बात हुई थी बहुत खुले अल्फाज में, वो लेफ्ट की एक तंजीम थी DWA विच वॉज डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, जो कि बनाई थी एक मार्क्सिस्ट खातून ने, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट खातून ने, जिनका नाम था ताहिरा मज़हर अली खान। ताहिरा मज़हर अली खान मेनली जो काम कर रही थी वो वर्किंग क्लास औरतों के साथ फैक्ट्रीज में कर रही थी, और उनकी जो डिमांड्स थी उनमें इक्वल पे औरतों को बराबर की उजरत, उनके यू नो वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाना, मोस्टली वर्किंग क्लास औरतों के मसाइल थे, और उस मूवमेंट के अंदर कभी भी नॉन वर्किंग क्लास औरतें उस तरह से शामिल नहीं हुई, हो भी नहीं सकी क्योंकि वो पर्टिकुलरली इसलिए थी। फिर हम अप्पा की तरफ आते हैं, अप्पा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि खुद को उससे बहुत खुल के इसका था कि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल इसलिए नहीं थी क्योंकि वो स्टेट के पेट्रोनेज के नीचे काम कर रही थी, वो स्टेट से सपोर्ट ले रही थी जिसकी वजह से वो स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकती थी।
अफवाह का एक ही कोई रेडिकल शायद काम था, बाकी सारे वेलफेयर से रिलेटेड थे जो. और जब फातिमा जिन्ना इलेक्शन में खड़ी हुई थी, वैसे तो सुनने में लगते कि अफवाह का बनता था टू यू नो बैक फातिमा जिन्ना, बट क्योंकि दे वर इन कहूट्स विद द स्टेट एंड दे वर वर्किंग अंडर द स्टेट पैट्रोनेट, उन्होंने फातिमा जिन्ना को अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन में कभी सपोर्ट नहीं किया, जो कि एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ाई थी, एक औरत खड़ी थी उसमें नहीं किया. लेकिन हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे अहमद अली बोगरा, उन्होंने जब कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, दैट वॉज द पॉइंट व्हेन अप वाज स्टूड अप, और वो वक्त था जब उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता. और इसकी भी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का बाद में भी हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा फोकस था लीगल और पोलिटिकल रिफॉर्म्स पे, और उसकी एक हिस्ट्री है. वो ये नहीं था कि वो रिफॉर्मर्स थी, उसकी हिस्ट्री ये है कि एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बहुत कुछ इनहेरिट करती है कॉलोनाइजेशन से, उसके अंदर बहुत से लॉज हमने इनहेरिट किए हैं क्योंकि सारा का सारा लॉ एंग्लिसाइज था, ब्रिटिश लॉ था. उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि जो कस्टमरी और औरतों से रिलेटेड लॉ थे, जो फैमिली लॉज थे रिलीजन के, वो रखे गए, लेकिन बाकी सब कुछ हटा, बाकी सब एंग्लिसाइज था. सिर्फ इन लॉज को हमने रखा, और उन लॉज के अंदर एक चीज जो थी, औरतों का राइट टू इनहेरिटेंस मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर माना जा रहा था. इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर लैंड था वो औरतों को नहीं मिल सकती थी इनहेरिटेंस में. एंड वन रीजन फॉर दैट वाज कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उस और मैं आगे पीछे जा रही हूँ, बिल्कुल एक टाइमलाइन नहीं है. सो उसके अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि उनकी एक तरह से राजीनामा हो गया था पंजाब के लैंड ओनर्स के साथ, और उन्होंने ये कहा था कि अच्छा ठीक है आपने देना है औरतों को प्रॉपर्टी का राइट दे देते हैं, लेकिन जो पंजाब के लैंड ओनर्स, उन्होंने कहा था कि ये एग्रीकल्चर लैंड को रहने थे. सो वी कैन सी कि कैसे इधर वो प्राइवेट और पब्लिक इनहेरिटेंस मिल सकती है, लेकिन वो इनहेरिटेंस कौन सी है, वो पब्लिक यूज की है या प्राइवेट यूज की है. उस औरत को घर मिल जाएगा, जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर से आपको नजर आता है कि ये तो फिर पब्लिक स्फीयर में औरत चली जाएगी ना, अगर उसको जमीन दे दी, वो कारोबार करने लग गई, वो एग्रीकल्चर में चलेगी, तो ये मेंटेन रही इस टाइम. इससे आगे हमने नजर, और फिर जिस टाइम पे ये सारी बातें एजुकेशन वाला ये सब हुआ था, उस टाइम पे एक बहुत ज्यादा अकबर अलाबादी थी. आप शायरी अगर उस वक्त देखें तो वो बार बार बात करते हैं कि ये मैस्कुलेशन हो रही है एक मुस्लिम मर्द की. एक बार की शायरी में भी हमें ये चीज नजर आती है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था मुसलमान मर्दों के लिए कि अगर औरतें पढ़ जाएंगी तो हमारी मर्दानगी का क्या होगा, जो कि बाद में आपको आज भी उस तरह के व्यूज नजर आते हैं, बट इन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वे. सो ये थोड़ा सा पार्टीशन से पहले फिर थोड़ा सा अफवाह की डिटेल हो गई, लेकिन उसके बाद और इस पूरे दौर के अंदर हमें नजर आता है कि हमेशा जो रिलेशनशिप स्टेट के साथ रहा है वो कोऑपरेशन का था, फिर उसके बाद कोऑप्टेशन हो गया, कोऑपरेशन सेपरेटेड एज, कोऑपरेशन, कोऑप्टेशन, एंड देन देयर केम अ पॉइंट वेयर देयर वाज कन्फ्रंटेशन, एंड दैट कन्फ्रंटेशन बेसिकली स्टार्टेड इन द 80s. उसकी जो फॉर्मेशन थी वो 70s से शायद शुरू हो चुकी थी, 80s में जाके शायद वो पूरी तरह फॉर्म हुई थी, जिसके अंदर वैफ और सिंधियानी तहरीक का काफी रोल रहा था, और इन दोनों के मकासद मिलते भी थे, मुख्तलिफ भी थे, क्योंकि सिंधियानी तहरीक एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से निकली थी, तो उसके अंदर ये था कि उनका जो फोकस था वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे बहुत ज्यादा था, फ्यूडलिज्म पे था और पेट्रियार्की पे था. वैफ ऑन दी अदर हैंड जो थी उनका फोकस बहुत ज्यादा लीगल और पोलिटिकल रिफॉर्म्स पे था, पेट्रियार्की पे था, डेमोक्रेसी पे था और डिक्टेटरशिप. और सिंधियानी तहरीक का भी डिक्टेटरशिप पे भी एक मौका था. तो इसके अंदर हमें नजर आता है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे स्टेट के साथ कॉन्फ्रंटेशन अब शुरू हो गई थी, और वो बेसिक और वो भी पब्लिक स्पेस में थी, इट वाज नॉट अबाउट द प्राइवेट स्पेस किसी हद तक. हाँ ये हुआ कि जब हदूद लॉज आए तो उसने जो आपकी जो आपका प्राइवेट स्फीयर था उसको भी तब्दील करना शुरू किया, कुछ इफेक्ट तो था, क्योंकि अब प्राइवेट स्फीयर में क्या हो रहा है उस पर भी पब्लिक स्फीयर में कुछ बातें होने लगी, लेकिन कभी भी इतनी खुल के उसके ऊपर लॉज तो पास कराए गए, लेकिन ज्यादा उस प्राइवेट को उठाकर चौराहे पे नहीं रखा गया. वो कभी नहीं हुआ कि वो राज राज ही रहता था, उसमें थोड़ी बहुत जो पब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बातें थी वो पब्लिक में आ जाती थी, लेकिन पूरा का पूरा प्राइवेट स्फीयर किसी ने उठा के चौराहे पे सिटी स्क्वायर पे नहीं रखा. एंड दैट इज वेयर हमें सब, और वैफ के अंदर भी जो थे हर किस्म के एलिमेंट्स शामिल थे. वैफ के अंदर लिबरल फेमिनिस्ट भी थी, उसके अंदर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट भी थी, और उसमें कंजर्वेटिव रिलीजियस औरतें भी थी, जो कि बहुत बड़ी वजह है कि वैफ अपने आप को कभी सेकुलर उस टाइम पे नहीं कह सकी, क्योंकि वैफ की
के जहन में ये था कि अगर हम खुद को सेकुलर कह देंगे तो जो रिजीम है इस वक्त वो इतना स्ट्रांग है कि अगर ये औरतें हमसे चलेगी तो हम तो बहुत थोड़े से रह जाएंगे। और उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं था कि ये बातें नहीं होती थी, वहाँ पर सोशलिस्ट स्टैंड भी मजबूत था, लेकिन क्योंकि जो लाहौर का दाफ का हलका था वो मेनली लीगल लॉयर्स थी उसमें, तो उनका बहुत सारा फोकस लीगल रिफॉर्म्स की तरह इवेंचुअली चला गया, डिक्टेटरशिप से लड़ाई के बाद की मैं बात करी, जिसके अंदर फिर कहीं जाके उन लीगल केसेस के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट केस हमें नजर आता है वो साइमा वहीद का केस था। साइमा वहीद जो थी वो एक ऊंचे घराने से, अमीर घराने से, जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी, एंड उसको उसने शादी कर दी एक आम उस्ताद के साथ, जिसके बाद ये और उसके बाप ने फिर जो जमींदार था आई थिंक किसी राइट विंग पार्टी से था, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, तो उसने फिर ये केस किया कोर्ट के अंदर कि मेरी बेटी वली की मर्जी के बगैर इसने शादी कर दी। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जिधर एक लीगल केस चला था अबाउट वुमेन सेक्शुअल ऑटोनॉमी, देयर राइट टू गेट मैरिड एंड हू टू गेट मैरिड, और वो एक एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम होने के लिए, जहां पे ये माना गया कि एक औरत अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। सो दैट इज वेयर सेक्सुअलिटी कम्स इनटू डिबेट, व्हिच हैज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड अ वेरी प्राइवेट अफेयर, और वो सेक्सुअलिटी भी ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ हेट्रोपेट्रियार्कल स्टेट, फेमिनिस्ट वर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि हम उस हेट्रोसेक्सुअलिटी से बाहर जाके बात नहीं करेंगे। सो वो उसी हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स के अंदर बात हो रही थी, और जो फेमिनिज्म था उसका फोकस भी हेट्रो जो हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स है उसके अंदर औरतों के लिए क्या हो सकता है उसकी तरफ जोर था, और ऐसा नहीं था कि वो औरतें शायद सारी शादीशुदा और बच्चों वाली थी, दे हैड सेक्सुअल डाइवर्सिटी मौजूद थी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस पूरी चीज के अंदर, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। बॉडी पॉलिटिक्स में बात भी होती थी लेकिन वो बात अंदर तक होती थी, वो आपस में बातों तक होती थी कि बॉडी पॉलिटिक्स क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, वो चीज़ कभी भी उस तरह बाहर नहीं आई। एंड दैट इज़ वेयर वी सी अ शिफ्ट इन करंट जो कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट मूवमेंट है उस, और इस सब में जब जाहिर आप रिफॉर्म्स की बात करें, वेलफेयर की बात करें, एक हद तक रेजिस्टेंस होगी लेकिन इतनी नहीं होगी, क्योंकि आप औरतों की भलाई की बात करें, हल्के फुल्के राइट्स मांग रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी शदीद नहीं थी वैफ के साथ थी, लेकिन उससे पहले इतनी नहीं। और वैफ ने एक और काम भी किया था विच कुड बी स्ट्रैटेजी और थॉट आउट प्लान, उन्होंने खुद को कहा था कि हम ए पोलिटिकल है ना, ए पोलिटिकल से एक तरह से कहीं पे आपको ये भी रेफरेंसेस मिलते हैं, और वैफ के कुछ लोग खुद भी कहते हैं कि हमने ए पोलिटिकल इसलिए कहा था क्योंकि वो दौर ऐसा था कि सियासी तंजीमें बैन हो गई थी, तो अगर हम खुद को पोलिटिकल कहते तो हम बैन हो जाते हैं, सो इट कुड बी अ स्ट्रैटेजी और इट कुड बी आपकी अपनी यू नो आप डर रहे खुद को सियासी कहते हुए। सो वो उनके फायदे में भी एक तरह से गया कि उन्होंने किसी खुद को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा तो उन्हें बैन नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो अपना काम जारी रख सके। इसके बाद जो प्रेजेंट जो हम आते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरफ, जो अभी अपने बहुत ही इनिशियल फेजेस में है, उसमें हमें नजर आते हैं कि ये रिकॉन्फिगरेशन हो रही है इन सारी चीज़ों की। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिधर आपको नजर आता है कि वो जो प्राइवेट स्फीयर था जो हमेशा फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स से दूर रखा गया था, ये बहुत जरूरी है कि फेमिनिस्ट ने कभी बॉडी पॉलिटिक्स को टच नहीं किया पब्लिक स्फीयर में, लेकिन जो मुल्ला था, जो स्टेट थी, उसका सारा फोकस बॉडी पॉलिटिक्स था, वो बॉडी पॉलिटिक्स में बात कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, वेले पर्दा चार दीवारी चादर वो सारी चीजें कि आप किससे शादी कर सकते हैं, वली क्या है, ये सारी चीजें स्टेट और राइट विंग कर रहा था, फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो सरगोशियां जरूर कर रही थी, और शायद उन्हीं सरगोशियों की वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे। और उसके अंदर आपको नजर आते कि अब जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, व्हाई वाज देयर सच अ बिग बैकलैश, वाज बिकॉज वो चीज जो राज था, वो चीज जो बस हम कानों में करते थे, जब वो लाके आप चौराहों पे रख देंगे तो उसमें बैकलैश सिर्फ राइट विंग की तरफ से नहीं आता, और ना ही सिर्फ राइट विंग की तरफ से आया है, वो बैकलैश हमारे अपने घरों में भी आया है, वो बैकलैश हमारे दफ्तरों में आया है, वो बैकलैश पॉलिटिशियंस की तरफ से आया है, मुल्ला की तरफ से आया, और इंटरेस्टिंगली स्टेट के साथ ना ही उतनी ज्यादा उस तरह की कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं है, लेकिन कोई दोस्ती भी नहीं रही। स्टेट और फेमिनिस्ट मूवमेंट का रिश्ता अब आपको उस तरह से समझ नहीं आता कि क्या रिश्ता है, क्योंकि स्टेट ने शायद अभी तो उस तरह से रिजिस्ट भी नहीं किया, स्टेट के एक्टर्स ने शायद किया है, लेकिन स्टेट इन इटसेल्फ ने एक्ट उस तरह से नहीं किया, शायद कहीं दबे अल्फाजों में किसी को धमकियां वगैरह या इस तरह की चीजें हुई, लेकिन खुल के एक रेजिस्टेंस नहीं आई। और जो बैकलैश आया उसकी मेन वजह यही थी कि वो जो सोशल रिलेशंस
एक ऐसे पिटरसरी निज़ाम के अंदर कायम हो जाते हैं मर्द के औरत के साथ, औरत के मर्द के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, घर के अंदर के रिश्ते, वो अब बहुत ही खुल के सामने आ गए कि वो चादर और चार दीवारी की जो मिस्टिफिकेशन थी कि पता नहीं क्या होता है, ये मिस्टिफाइड था प्राइवेट स्फीयर, हमें नहीं, किसी को पब्लिक स्फीयर में बात नहीं होती कि वहाँ क्या होता है, पहली दफ़ा वो डीमिस्टिफाई हो गया सबको, और सबको पता तो था ही लेकिन इस बार खोल के बोल दिया। दैट इज समथिंग जो कि बहुत हिला, जिसने पितृशाही की जो जड़ें थी उनको हिला दी, क्योंकि एक ऐसे समाज में जिसमें पितृशाही की बुनियाद जेंडर सेग्रीगेशन है, पितृशाही की बुनियाद सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर तभी कायम रहेगी जब आप घर और बाहर का फर्क रखेंगे, जब आप इस सब पे ही बात करने लग जाएंगे तो फिर पितृशाही किस चीज़ पे कायम रहेगी, क्योंकि इस और इसमें सिर्फ मसला ये नहीं था कि राइट विंग फासिज्म आपको नजर आया या राइट विंग का वो नजर आया, आपको ये भी नजर आया कि इंडिविजुअल मैन वेंट थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इस तरह का कि जहाँ पे आपको सिखाया ये गया कि ये तुम हो और ये औरत है, ये तुम्हारी जगह है, ये औरत की जगह है, वो खाना गर्म किया करेगी, फिर उसके बाद वो खाना रख के देगी, फिर ये होगा, फिर वो जरावे ढूंढेगी, तो और तो ना कुछ नहीं करेंगे, ना जरावे ढूंढेंगे, ना खाना गर्म करके देंगे, कुछ भी नहीं करना हमने, बिकॉज ये जेंडर डिविजन ऑफ लेबर नहीं करते। तो वो जहाँ इदारों को और इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट करती है, वह ज़ात को भी थ्रेट करती है। तो वो जो एक आपकी ज़ात अगर कोई चीज़ हिला देती, आपकी एग्जिस्टेंस की बेसिस, आपकी मर्दानगी की बेसिस, आपके होने की बेसिस अगर हिल जाएगी, किसी हद तक मैं एम्पथाइज भी करती हूँ, तो वो एंड ऑब्वियसली गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर एनीवन इज पेनफुल, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वी आल्सो हैव टू यू नो इन वन वे अंडरस्टैंड कि ये बैकलैश क्यों था। उसको शायद समझने के लिए ये भी जरूरी है कि उनको तब समझ नहीं आ रही कि वो क्या है और हम क्या है, क्योंकि हमने तो वो मिस्टिफिकेशन हटा दी। सो एक तो बहुत बड़ी वजह जो मेरे नज़दीक बैकलैश की थी वो ये थी कि वो जो चादर और चार दीवारी की डिस्टिंक्शन है वो ख़त्म हो गई, और वो जो एक चीज़ थी जो छुपा के रखी थी उस पर अब सब बात करने लगे, और पहली दफ़ा बॉडी पॉलिटिक्स पर बात हुई। इन द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन दिस कंट्री, सेक्शुअलिटी, जिस्म, मर्जी, कंसेंट, एजेंसी, इस पर कभी बात नहीं हुई। आस्किंग फॉर इक्वालिटी विद इन द बेडरूम पे कभी बात नहीं हुई। ये पहली दफ़ा है कि फेमिनिस्ट लैंग्वेज में ये आर्टिकुलेशन हुई कि हमें सिर्फ बराबरी दफ्तर में नहीं चाहिए, हमें घर में चाहिए, हमें सिर्फ किचन में नहीं चाहिए, हमें बेडरूम में भी चाहिए, जहाँ से हमें मी टू या फिर मिलती जुलती मूवमेंट भी नजर आती है कि अब बराबरी खाली बाहर तक महदूद नहीं है, अब वो घर के अंदर बल्कि बहुत अंदर तक पहुँच चुकी है। और ये चीज़ मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ बहुत बड़ी बेसिस है फॉर दैट काइंड ऑफ बैकलैश। और उसके बाद हमें नज़र आता है कि जो चैलेंजेस जिसकी हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि विद दिस एक दफ़ा आपने हिला तो दिया लेकिन अब वो सब मोबिलाइज हो गए एंड उनकी तादाद शायद हमसे बहुत ज़्यादा है। उस वक्त नहीं लगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा निकल आए थे, लेकिन उसकी तादाद असल में बहुत ज़्यादा है। नाउ द चैलेंज इज कि मसला अब सिर्फ ये नहीं है कि अगली बार निकलेंगे तो राइट विंग निकलेगा, घरों से हमें भी नहीं निकलने देंगे। सो हाउ डू वी आर्टिकुलेट आवर पॉलिटिक्स, डू वी कंटिन्यू जो हम करते आ रहे हैं, और इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि कुछ गलत हुआ, जो कुछ हुआ बहुत सही हुआ, लेकिन अब मजीद क्या करना है, वो तो हो गया। वट इज द फ्यूचर स्ट्रैटेजी, अगले साल शायद राइट विंग आएगा और जो लड़कियाँ उतना जिनको इतनी लिबरेशन हासिल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं रहती, उन्हें शायद निकलने भी नहीं दिया जाएगा। और दी ओनली पावर द फेमिनिस्ट मूवमेंट करेंटली हैज इज वुमेन कमिंग आउट, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई डोनर नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है, स्टेट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, पीछे कोई